लेकिन सिर्फ इक्वेशन को देखकर मैं कुछ भी बता नहीं पा रहा कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या होगा। सो हेलो विनीशियंस, विनस चेंबर के फ्यू मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्फॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले तो इससे एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है कि भाई मेरे सामने केमिकल इक्वेशन है जिसमें एक मतलब कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस केमिकल इक्वेशन को देख के पता क्या चलता है? मतलब आपको तो नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है इसे देख के कि भाई कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, दोनों को एक कटोरे में रखा, दोनों को थोड़ा बहुत मिलाया और हमारे सामने कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? नहीं, मतलब देखने तो यही लग रहा है बट एक्चुअल में तो जहां तक मुझे पता है ऐसा होता नहीं है। असली रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअल में कि कोयला जो होता है वो जलता है जब हवा में तो बनता है धुआं। और इसी को जब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में तो ये कुछ ऐसा नजर आता है। दैट इज जहां पर जो कोयला होता है वो एक्चुअल में कार्बन का बना होता है। तो सी, जो एयर में जब कोई भी चीज जलती है तो किसी के साथ नहीं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो O2, और जो धुआं निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्चुअल में जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसी है। लेकिन सिर्फ इक्वेशन को देखकर मैं कुछ भी बता नहीं पा रहा कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या होगा, कंडीशन क्या थी, कौन सी फॉर्म में था। तो ये जो प्रॉब्लम है कि केमिकल इक्वेशन और जो इन्फॉर्मेशन के बीच का ये जो गैप है इसे फिल किया जाता है इन्फॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन में, जिसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हाउ टू राइट इन्फॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन, हम क्या करते हैं, हम स्टेट्स देखते हैं कि भाई कौन सी स्टेट थी, जो हम जो रिएक्टेंट लेते हैं या फिर जो प्रोडक्ट लेते हैं वो कौन सी स्टेट में थे। हम सभी जानते हैं स्टेट तीन तीन होती है, ये इंडिया या फिर किसी और की स्टेट नहीं है, ये स्टेट है, दैट इज अवस्था। तो सबसे पहले तो ये है सॉलिड, मतलब तीन स्टेट होती है हम सभी जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमको स्टेट डिनोट करनी होती है कि जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो आपने लिया है वो सॉलिड का है या फिर लिक्विड का है या फिर गैस में है। इसके अलावा कंडीशन, कौन सी कंडीशन में, मतलब कौन सी कंडीशन में केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे इससे पिछले वाली कंडीशन में हम उसे जला रहे थे तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाया गया था, टेम्परेचर बढ़ा था। इसके अलावा तो दैट्स हम डिनोट करेंगे कि भाई टेम्परेचर यानी हीट लगी थी कि नहीं लगी थी, हीट लगी थी तो कितनी लगी थी। इसके अलावा प्रेशर, प्रेशर बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जो प्रेशर में होती है। नॉर्मल एग्जाम्पल डेली लाइफ में अगर मैं लूँ नॉर्मल सा, तो जब जब तक एग्जाम नहीं आते, एग्जाम को प्रेशर नहीं होता तब तक आप भी नहीं पढ़ते हैं, तो वो भी रिएक्शन जो होती है केमिकल रिएक्शन तो नहीं बट वो रिएक्शन भी बिना प्रेशर के नहीं होती। इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में कैसे काम करते हैं। तो हमें इन्फॉर्मेटिव जो केमिकल इक्वेशन है हम ये देखेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा।